दोस्तों मेरे हाथ में ये जो दो बॉटल्स आप देख रहे हैं, एक में ग्लिसरीन है, एक में अल्कोहल। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो रुकिए। अगर मैं इन दोनों बॉटल की कैप को ओपन कर दूं और ऐसे ऊपर करके उल्टा कर दूं तो क्या होगा? जो अल्कोहल वाली बॉटल है, सारा का सारा अल्कोहल मेरे मुंह पर बह के आ जाएगा। लेकिन ये जो ससुरी ग्लिसरीन है, गाना गुनगुनाता रहूंगा आ आ आ जा आ आ आ जा, नहीं आने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूं आपको। जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी होती है दोस्तों। विस्कोसिटी या शांता, ये किसी द्रव की जो बहने की प्रवृत्ति है उसको मेजर करने का एक मेजरमेंट है। जो ग्लिसरीन है ये एक अल्कोहल ही है। इसके अंदर तीन अल्कोहलिक ग्रुप हैं जो ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण इसकी विस्कोसिटी बहुत उच्च हो जाती है। और यही कारण है कि इसको बहने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जबकि जो अल्कोहल है, इसके अंदर केवल एक ही अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कम संख्या में हाइड्रोजन बंधन बना पाता है, और यही कारण है कि इसकी जो विस्कोसिटी हो वो लो होती है, और इसलिए ये आसानी से बह पाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया, विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा, उस लिक्विड या द्रव की बहने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी कम। है ना इंटरेस्टिंग।